अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू पीपल आर फाइन एंड गुड। आवर टुडे स्कॉलरशिप टॉपिक इज अबाउट स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है 32 टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड में ये ऐड होती है, और टॉप 50 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड में इसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू 2019 भी एंड अकॉर्डिंग टू 2020 भी। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। कौन कौन से स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑफर कर रही है, किस टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी अमाउंट क्या है, एंड आप उस स्कॉलरशिप पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक लिंक ओपन किया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का जो स्कॉलरशिप्स का जो लिंक है, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से जो इसको डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है, आप स्कॉलरशिप्स पे जाएंगे, चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, आप खुद को स्कॉलरशिप्स पे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, एंड किस टाइप की ये स्कॉलरशिप्स जो हैं जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो क्या है, आप इंडिविजुअली यहाँ पे स्कॉलरशिप का नेम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अगर न्यू कोर्स के लिए है, करंटिंग स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए आप खुद को साइन अप भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है स्कॉलरशिप्स की जो है डिटेल मिलती रहे, और अगर आप किसी स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे करेंगे, आप अपना गिवन नेम, फैमिली नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड करेंगे। देन जो है इंटरेस्टेड आप अपने जो स्टडी लेवल करेंगे और सबमिट कर देंगे, देन वो आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में जो है अवेयर करते रहेंगे थ्रू योर ईमेल। अब नेक्स्ट है, अब हम चेक करते हैं वन बाय वन, हम इसको चेक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि व्यू ऑल स्कॉलरशिप्स, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑफर कर रही है। तो इसमें जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ऑलमोस्ट ये 600 to 700 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑफर कर रही है। ये देखिए, वी फाउंड 976 स्कॉलरशिप्स, इतनी ज़्यादा अमाउंट है और नंबर्स हैं स्कॉलरशिप्स के। सबसे पहले जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, आप अकॉर्डिंग टू इस वेबसाइट पे जो है कुछ टाइम बाद जो है हम चेक कर सकते हैं कौन से स्कॉलरशिप ओपन है, कौन से स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इस टाइम जो मैंने ओपन किया है इसको, इसमें मैनी मोर स्कॉलरशिप्स हैं। अभी ये स्कॉलरशिप का एक सिंगल पेज है, पेज वन जो ओपन है मेरे सामने, और उसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। कुछ की डेडलाइन ओपन है, कुछ की डेडलाइन अभी जो है अनाउंस ही नहीं हुए या फिर उनकी डेडलाइन जो है गुजर चुकी है। सबसे पहले जो है मेलबोर्न मोबिलिटी अवार्ड स्कॉलरशिप है जिसकी डेडलाइन क्लोज है। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, आप वन बाय वन हर स्कॉलरशिप को चेक कर सकते हैं। इधर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी डेडलाइन क्लोज हो चुकी है, कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिनकी डेडलाइन ओपन है। लाइक एक स्कॉलरशिप है ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप्स, जो इसकी एप्लीकेशन ओपन थी 31 दिसंबर हुई थी और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 अक्टूबर 2020 है। 100% फी रेमिशन है इसमें, 100% फुली फंडेड है, ऑल स्टडी एरियाज के लिए है, और ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स को जो है ये ऑफर कर रहे हैं। क्या है, अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इसकी डेडलाइन अभी ओपन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, सिंपल स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे एंड इसमें फुल बेनिफिट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवार्डेड चेक कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 600 स्टूडेंट्स को, सिटीजन रिक्वायरमेंट्स के ऑस्ट्रेलियन हैं आप, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। वन बाय वन आप इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स, फुल फी वेवर है इसमें, मंथली जो अलाउंस स्टाइपेंड भी है, एंड एवरीथिंग इज फ्री है। एंड नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी इसकी, क्या आपको, यू हैव टू अप्लाई टू ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे मास्टर डॉक्टर प्रोग्राम के लिए वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, आप स्कॉलरशिप पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सिंपल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है फिल करना है 31 अक्टूबर से पहले। आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आई हैव यू एक्सेप्टेड एंड यस करेंगे, और आप
नेक्स्ट पे जाएंगे और अब सिंपल जो है इस फॉर्म पे अपनी डिटेल जो है वन बाय वन सबमिट करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई हो जाएगा। ये मैं आपको आप अकॉर्डिंग टू स्कॉलरशिप जो है खुद वन बाय वन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको वन बाय वन हर स्कॉलरशिप का जो है बताऊंगी तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा। जस्ट जो मेरा इसमें जो मकसद है वो आपको सिर्फ बताना है कि कितने स्कॉलरशिप ये ऑफर कर रही है और आप उन स्कॉलरशिप्स पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है मोबिलिटी अवार्ड स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन अभी क्लोज है, अभी आप इस पर फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये ओपन होगा तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट को वो जो है सिलेक्ट कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे। नेक्स्ट है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप, इसकी डेडलाइन भी क्लोज है। लाइक इसमें ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इनकी डेडलाइन क्लोज है कि स्टूडेंट ग्रांट सेस की डेडलाइन 30 जुलाई है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है 250 स्टूडेंट्स को जो ऑफर कर रहे हैं और 1000 से $10,000 के जो के दरमियान में जो है इसकी वो अमाउंट है। नेक्स्ट है ये जितने मेलबोर्न अकोमोडेशन ये स्कॉलरशिप क्लोज हैं, मेलबोर्न स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप 31 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ट्रैवल स्कॉलरशिप, मैनी मोर स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप जो है नेटिव वहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में स्टडी कर रहे हैं, तब भी आप इनमें से कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिनके ऊपर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अभी जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इनकी डेडलाइन क्लोज है। ये एक इसमें स्कॉलरशिप है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्कॉलरशिप, इसकी डेडलाइन अभी नहीं गुजरी, इसकी डेडलाइन 30 अक्टूबर है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसके सारे पेज वन बाय वन चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये स्कॉलरशिप्स हैं। अब ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं कुछ की डेडलाइन क्लोज है, कुछ ये स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी डेडलाइन भी क्लोज नहीं हुई। लाइक जॉन मोनास फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, इसकी डेडलाइन 13 जुलाई है, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ऑफर करेंगे, 70,000 से 210,000 तक इसकी अमाउंट है। कैसे अप्लाई करेंगे, आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है और जो है सिटीजनशिप जो है इसकी ऑस्ट्रेलियन या डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं है। और एप्लीकेशन इस पर है, एप्लीकेशन टाइप हाउ टू अप्लाई, आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमने इसके ऑलमोस्ट 3 पेजेस चेक कर लिए हैं। अब है 4 पेज पे आप जितने भी स्कॉलरशिप हैं इसको खुद वन बाय वन जो है वो चेक कर लीजिएगा, कौन सा स्कॉलरशिप ऐसा है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ जो है डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए है। आप जो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ वही स्कॉलरशिप सर्च करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होगा, जो वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आप डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आप उनके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट राइटिंग अप अवार्ड, इसकी डेडलाइन 30 दिसंबर 2020 है, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी एरियाज में साइंस एंड मैथमेटिक्स हैं एंड इस तरह आप जैसे नेक्स्ट पे जाते जाएंगे तो मैनी स्कॉलरशिप्स आपको नजर आते जाएंगे, आप उनको जो है वन बाय वन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट जो है चेक कर सकते हैं और उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इरादा है फ्यूचर में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में स्टडी का, या आप करंट स्टूडेंट हैं और आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, देन आप इन स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप है बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च काउंसिल डेविड फ्लिप फेलोशिप है, इसकी भी डेडलाइन अभी 8 मई है जो कि ऑलमोस्ट जो है वो गुजर चुकी है इसकी डेडलाइन। एक स्कॉलरशिप है जॉन लेबरिंग ग्रेजुएट इन्वायरमेंटल प्रोग्राम स्कॉलरशिप है, इसकी डेडलाइन 31 मार्च है, ये भी गुजर गई है। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे आप वन बाय वन चेक करते जाइएगा और आपको सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं इसमें मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपको इनको सही रहे टाइम लगा के सर्च करना पड़ेगा, अगर आप टाइम लगा के सर्च करेंगे तो आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इसमें आपको कोई ना कोई एक स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगा जिसके ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं स्कॉलरशिप्स के, या आप वन बाय वन खुद जो है चेक कर लीजिएगा। इस जो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से जो है आप इन स्कॉलरशिप्स को चेक कर सकते हैं।
ये 18 पेज जो है, मैं 18 पेज पे इस टाइम जो मैंने ओपन किया है, और इसमें भी बहुत से स्कॉलरशिप्स जिनकी डेडलाइन क्लोज है, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जिनकी डेडलाइन ओपन है। एंड नेक्स्ट 22 पेज, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं स्कॉलरशिप्स के। ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जो है, लेकिन अगर आप कोई किसी काम में हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जो है उसका जो सिला भी ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आपको फर्दर किसी चीज़ की समझ नहीं लगे तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू पीपल। एंड जो स्कॉलरशिप का जो ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप खुद इसको वन बाय वन हर स्कॉलरशिप को डिटेल से चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर रेजिडेंसी। आइदर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, या आप फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में स्टडी कर रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं और आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप खुद अकॉर्डिंग टू योर जो है एरियाज, योर सब्जेक्ट्स, आप इनको चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह हाफिज़।